ये मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ है और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी कभी कोई चीज़ ट्राई करूँगा जहाँ पे मैं खुद गा रहा हूँ और वो गाना जो मैंने खुद लिखा भी है। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे जो प्यारे से फैंस हैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दी और उनकी इंस्पिरेशन मिली तो मैंने ये तुम मिली बनाया। सो ये मैं गाना जो है ये मेरे फैंस के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उनको मैंने ये गाना डेडिकेट किया है एज दिस इज़ माई फर्स्ट सिंगल। एंड मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि नेवर गिव अप एंड डू थिंग्स विच इज़ आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो मुझे लगता है ये चीज़ आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं ट्राई करनी चाहिए और ये प्रूव करना चाहिए कि एवरी वन शुड डू थिंग्स विच इज़ आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन। एंड एज एन आर्टिस्ट आई फील लाइक कि आई शुड ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स एंड आई शुड ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू फील्ड। तो आई थिंक ये मेरे लिए कुछ नया था और मैंने इस चीज़ को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के इस चीज़ को किया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये गाना अपने दोस्तों को सुनाया। सो एवरीबडी वॉज लाइक कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया एंड सब ने मुझे यू नो कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि आई थिंक यू शुड डू इट, यू शुड लॉन्च दिस सॉन्ग। तो इसलिए मैंने इस गाने को यू नो लॉन्च किया। मैं एक्साइटेड भी हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि मतलब मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ गाइस। बाथरूम में भी मैं बहुत ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गाना गाता हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या फीडबैक आएगा मेरे फैन से, क्या रिव्यू आएगा, बट आई होप फॉर द बेस्ट। नहीं, आई एम श्योर अच्छा आएगा, बहुत अच्छा गाना गाया ट्रूली। थैंक यू सो मच। गाना गाना इजी नहीं है, जैसे आपने कहा बाथरूम सिंगर भी नहीं, और फिर एक गाना गाना उसको प्रोफेशनली रिलीज करना, इतना सुंदर वीडियो बनाना, यू नो इट्स लाइक अ कंप्लीट, यू नो लाइक अ कंप्लीट पैकेज। आई थिंक अच्छी बात है ना कि अभी कोई मुझे अगर साइन करना चाहेगा मूवी में तो उसे फुल पैकेज मिलेगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऐसा सरप्राइज़ दिया, बहुत जल्द फिर से आपको मैं सरप्राइज़ दूंगा और मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आपका पूरा सिद्धार्थ के साथ, यू नो यू ऑल आर फ्रेंड्स, एक ही टीम में काम करना, एक साथ काम करना, हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क बिहाइंड द सॉन्ग, बिकॉज बहुत मेहनत करी है। अभी काफ़ी टाइम पहले तो ही गेव अप कि नहीं यार छोड़ नहीं करते, तो आई वाज लाइक नहीं करना चाहिए। देन शी गिफ्टेड मी अ फोन कवर जिसमें लिखा है नेवर नेवर गिव अप, नहीं ये करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इनको डेंगू हो गया। तो उसके बाद व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट, देन वी सेड कि नहीं, इनफैक्ट शूट की डेट्स भी लॉक थी तब आपको डेंगू हुआ था, तो आफ्टर ही रिकवर वी सेड कि अब तो शूट करना ही पड़ेगा। एंड द मोटिवेशन वी बोथ गिफ्ट ईच अदर इज़ लाइक रियली गुड, एंड डेडिकेशन बहुत अच्छी है, एंड शूट बहुत अच्छा हुआ है। आई मस्ट से इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू शूट विद हिम, इट्स वेरी नाइस। कोई अच्छा कोई इंसिडेंट कभी शूट करते हुए, गाना बनाते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, या एक्चुअल शूट पे? आई थिंक हमने रिकॉर्ड सेट किया है, हमने ना 7 घंटे में अगर देखा जाए तो ये पूरे म्यूजिक वीडियो को शूट किया है। बिकॉज हमारा टाइम था कि हम यू नो मॉर्निंग में 7 o'clock शूट शुरू करेंगे और विल रैप अप अराउंड 12 AM तक, लेकिन हुआ ये कि जब जो लोकेशन थी हमारी वो बहुत दूर बहुत थी, बम्पी रोड्स पे थी और सारी रोड्स ब्लॉक थी, तो ऐसा था कि हम दुबई पहुंच गए थे, डेजर्ट सफारी हम कर रहे थे exactly. और हम भटक गए थे, हम अपनी लोकेशन में पहुंच ही नहीं पाए। हमें इतना एक्साइटमेंट था शूट के लिए कि हम जल्दी बस पहुंच जाए शूट करें, एंड वो सब एक्साइटमेंट से ड्रॉप डाउन हो गया कि नहीं यार अभी तो शायद हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। बट आफ्टर फोर आवर्स लोकेशन पे 1 बजे पहुंचे एंड फटाफट हम रेडी हुए एंड देन हमने स्पीड पकड़ी एकदम और हमने शूट किया। तो आई थिंक ये जो पूरा म्यूजिक वीडियो ये 7 घंटे के अंदर अंदर हमने शूट किया है, ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर जय भाई। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत कभी कभार अपने आप को यू नो लकी फील करता हूँ कि आई हैव फ्रेंड्स, यू नो आई हैव फ्रेंड लाइक सुरभि, बिकॉज जो सपोर्ट इन्होंने यू नो किया है मुझे इस गाने को लेके वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सो थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सो मच। बट दोस्ती में थैंक यू सॉरी मूवी होता है। ओह क्या बात है, मूवी का डायलॉग। बाकी फैंस का क्या रिएक्शन रहा सिद्धार्थ, जब गाना देखा उन्होंने, आप यू नो द अनलिस्टेड प्रीव्यू जो आप उनको दिखा रहे थे, सबके कुछ ना कुछ तो यू नो एक फीडबैक रहता है जिसको सुन के अच्छा लगता है, या लगता है नर्वस हो रहे हो या चैलेंजिंग लगता है? मेरे
जितने भी लोगों को मैंने अपना ये गाना सुनाया अपने सारे फ्रेंड्स को, सबने अच्छा ही कमेंट किया, सबका पॉजिटिव कमेंट था और सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि गाना वाकई अच्छा लग रहा है। और पहली बात वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैंने गाया है, तो जब मैं उनको गाना सुनाता तो ऐसे देखते थे सो ये उनका रिएक्शन रहता था। बट देवर लाइक, मतलब अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने गाया बट गाना मैंने ही गाया, तो देवर लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है और थोड़ा ऐसे यूथफुल भी लग रहा है। सो आई थिंक सबने तारीफ करी और आई थिंक उसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली कि चलो ठीक है सब तारीफ कर रहे हैं तो कर देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सॉन्ग इज कि लिरिक्स बहुत कैची हैं। आप गाना सुनोगे, आपको गाना इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा गाया, फिर आप लिरिक्स पे आओगे तो बोलोगे नहीं यार लिरिक्स। इनफैक्ट मैंने ना अपने मेकअप आर्टिस्ट को सुनाया, कल सुनाया था, तो आई वाज लाइक कि गाना सुन लो एक बार देखो कैसा लग रहा है। तो आफ्टर 3 आवर्स शी वॉज मर्मरिंग द सॉन्ग, तो मर्मरिंग द म्यूजिक, उनको लिरिक्स तक लर्न हो गई। मतलब वो इतनी कैची है, तो आपको भी आई एम श्योर वो लर्न हो ही जाएगी। अच्छा लग रहा है। मुझे यू नो म्यूजिक बहुत पसंद है और लिखना भी मुझे बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि जब मैं लिखने जाता हूँ या फिर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत अपना एक स्पेस चाहिए होता है। तो जब मैं इस गाने को भी लिख रहा था, तो ये गाना मैंने ऐसे नहीं कि एक दिन पहले लिखा और अगले दिन मैंने गा दिया। आई रोट द सॉन्ग वेरी अर्ली। सो मैंने ये गाना बहुत टाइम से लिखा हुआ था एंड सो इसमें ना यू नो बहुत बार चेंजेस किए कि ये लाइन अच्छी नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ये जा नहीं रही है, इसका फ्लो नहीं जा रहा है, ये मैच नहीं कर रही है। तो गाना मैंने पूरा अपने आप लिखा। ऐसे लिखने के बाद मैंने विभास भाई को बताया, विभास भाई जिन्होंने इस गाने को म्यूज़िक दिए, जिन्होंने कंपोज किया है, तो उनको मैंने सुनाया। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही प्यारी लिरिक्स है और बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही न्यू है, आई थिंक आपको करना चाहिए, हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना वो एक स्पार्क जगाया मेरे अंदर कि क्या कल का क्यों इंतज़ार कर रहे हो, यू हैव टू डू इट टुडे ओनली। तो फिर मैं उनको गाना यू नो उनको अपना पूरा पढ़ के बताया एंड उनके भी बहुत सारे इनपुट्स हैं इसमें म्यूज़िक को लेके। सो वैसे ही ये गाना यू नो हमने प्रोड्यूस किया और फिर हमने सोचा कि अब तो जब बन चुका है तो क्यों ना हम आप लोग के सामने पेश करें। एज एन एक्टर मुझे एक्टिंग ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मुझे सब कुछ आना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज आप कल को मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो उस कैरेक्टर की जो भी डिमांड हो, तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आई शुड नो एवरीथिंग एंड आई शुड कीप ऑन लर्निंग मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। तो इसीलिए मैं अपने आप को कभी लिमिट नहीं करता हूँ, हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मैं और कितना कर सकता हूँ या और कितना सीख सकता हूँ। मुझे एक जगह नहीं बैठना है कि हाँ मुझे अगर एक्टिंग ही करता हूँ तो मैं एक्ट नहीं करता रहूँ। मेरे को नहीं, आई एम अ जिमनास्ट, जिमनास्ट से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग से आई कैन डू सिंगिंग ऑल्सो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ, नेवर गिव अप। या प्रोड्यूसर कैसा इंटरेक्शन करवा रहे हो, प्रोड्यूसर या मॉम?